पहले मात्र दो डिस्पैच सेंटर हुआ करता था, डीएवी कॉलेज और दैट। पिछले चुनाव तक व्यवस्था थी कि ईवीएम को ले जाने के लिए अलग से पीसीसीपी के मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, अब वो व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वही लेके जाएगी, इसलिए चूंकि ह्यूमन रिसोर्स की संख्या काफ़ी हो जाएगी तो लॉजिस्टिकली जो चैलेंज आएंगे उसका निष्पादन करने के लिए हम लोगों ने चार डिस्पैच सेंटर बनाया। इसलिए इस बार आप देखेंगे कि सामान्य रूप से वर्षों से जिस रूट से ईवीएम्स जाते रहे इस बार नए रूट से भी ईवीएम जाएंगे। इसकी जानकारी आमजनों तक पहुंचनी चाहिए क्योंकि कई बार होता है कि ईवीएम के मूवमेंट पे लोगों को शंका हो जाती है कि इस रास्ते से क्यों जा रहा है, उस रास्ते से क्यों जा रहा है। तो अब चूंकि चार डिस्पैच सेंटर हो गए, चार में से तीन डिस्पैच सेंटर नए हैं, डीएवी एकमात्र जो पुराना है, तो आपके माध्यम से आमजनों से अनुरोध होगा कि वैसे सभी रूट जिससे पूर्व में हो सकता है कि ईवीएम की गाड़ियाँ नहीं जाती थी, तो आगामी चुनाव में आप लोग देखेंगे कि वहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, इसलिए उसमें किसी प्रकार के शक संदेह करने की आवश्यकता नहीं। दूसरा है कि जो हम लोगों ने विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया था पूर्व में भी आपको बताया गया है कि लगभग 35,000 वोटर्स की संख्या इस बार बढ़ी। हम लोगों ने 1,00,000 से ज़्यादा मतदाता जोड़ने का काम किया था और लगभग 60-65,000 मतदाता डिलीट भी हुए थे। तीसरा है कि इस बार हम लोगों की एक प्राथमिकता और है कि जो सर्विस वोटर्स हैं उनसे मतदान भारी संख्या में कराया जाए। चौथा, आपके माध्यम से आम जनों से विशेष अनुरोध है कि 2019 में हमारे सिवान जिले का जो VTR था, वोटर टर्न आउट रेशियो था, वो मात्र 54.68 था, जबकि राष्ट्रीय औसत अराउंड 67% था। तो हम लोगों को इस बार आवश्यकता है कि हम लोग राष्ट्रीय औसत तक पहुँचे, क्योंकि वोटर टर्न आउट बढ़ने का मतलब है कि लोग अपनी सहभागिता दिखा रहे हैं, लोग आके बूथों पर मतदान कर रहे हैं। 2014 लोकसभा में 56% से ज़्यादा था, 2019 में 2% घटा, लेकिन इस बार हमारा पूरा प्रयास है कि इसको राष्ट्रीय औसत तक ले जाने का। इसी परिप्रेक्ष्य में कहना चाहेंगे कि इसमें मीडिया की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। हम लोग लगातार स्वीप एक्टिविटी चला रहे हैं, आप लोगों को मीडिया के जो व्हाट्सएप चैनल है उससे जानकारी मिल रही होगी, लेकिन विशेषकर डिजिटल मीडिया के जो सैकड़ों की संख्या में डिजिटल मीडिया वाले लोग हैं उनसे मेरा अनुरोध है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो लगातार चलाते ही, लोगों से हम लोगों का अनुरोध है, जिला प्रशासन का, भारत निर्वाचन आयोग का, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार का, कि जन जन तक यह मैसेज जाए कि इस चुनाव में हम लोगों को मतदान करना है ताकि लोकतंत्र मजबूत और जो आयोग का निर्देश है उसका पालन हम लोग कर सकें। उसमें भी और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि महिलाएँ मतदाता जो हैं और PWD मतदाता हैं जो हमारे हैं उनसे हम लोग वोट कराएं, तो उनको भी विशेष अपील है आप लोग के माध्यम से कि लोग वोट करेंगे। तीसरा, अब जिला प्रशासन की जिम्मेवारी है कि चुनाव कार्य शांतिपूर्ण ढंग से बिना किसी डर भय के निर्भीक वातावरण में हो, इसके लिए लगातार हम और SP साहब प्रयास कर रहे हैं। अभी से अभी हम लोगों ने 6,000 से ज़्यादा लोगों के विरुद्ध अभी तक प्रिवेंटिव एक्शन का अनुशंसा हम लोग को प्राप्त हुआ, जिसके में से 1,107 लोगों को हम लोगों ने बर्न डाउन अभी तक कर दिया है। उसी तरह से SP साहब के स्तर से जिला बदर करने के लिए भी CCA के काफ़ी सारे प्रस्ताव आए हैं, लगभग 70 की संख्या में आए हैं, उसके लिए भी हम लोग प्रत्येक सप्ताह मेरे स्तर से जो न्यायालय का कार्य होता है वो हम लोग कर रहे हैं। तीसरा, भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार जेलों में बंद ऐसे कैदी जो निर्वाचन कार्य को प्रभावित कर सकते हैं उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ लोगों को हम लोगों ने जिला बदर दूसरे जिलों में भेजने का काम किया है। चौथा, कि बाकी जो तैयारियां होती है निर्वाचन के संदर्भ में हमारी लगातार चल रही है, विभिन्न कमेटियों का गठन, कोषांगों का गठन कर लिया गया है, समय समय पे हम लोग विभिन्न कमिटीज का, विभिन्न टीम्स का ट्रेनिंग दे रहे हैं। अभी आप लोगों को बताया गया कि कल ही जो भी फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्विलांस टीम, असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, स्टैटिक सर्विलांस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम, VST सभी की ट्रेनिंग है। सेक्टर मजिस्ट्रेट 291 बनाए गए हैं, उनके साथ 291 पुलिस पदाधिकारी दिए गए हैं जो सभी बूथों पर लगातार जाएंगे, वहाँ का संवेदनशीलता का आकलन करेंगे और उसका प्रतिवेदन हम लोग को प्राप्त होगा। संवेदनशीलता के आधार पर निर्वाचन आयोग की जो मार्गदर्शिका है उसके आलोक में उस बूथ पे जो कार्रवाई करनी है हम लोग करेंगे। स्वीप एक्टिविटी भी जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग बूथ स्पेसिफिक कर रहे हैं। हम लोगों ने 2014, 2019, 2015, 2020
का वोटर टर्नआउट रेशियो को चेक किया है और जिस बूथ पे वोटर टर्नआउट जैसा है उसके अनुरूप हम लोग स्वीप का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी में पुनः आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक इस मैसेज को पहुँचाएँ। बाकी सारी तैयारियां हमारी पूर्ण रूप से हैं, आम जनता को भरोसा दिलाते हैं, हमारी टीम लगातार इस पर काम कर रही है, चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष निर्भीक और स्वच्छ वातावरण में। एक बार हम लोग डिटेल में सर इनको बता देते हैं सर, 18 लोकसभा विधान निर्वाचन पूरा एआरओ का डिटेल्स इसमें है कि सिवान लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 105 में अपर समर्था सर, 106 में जिला देश में भूमि सुधार समर्था, 107 में जिला पंचायती राज का अधिकारी, 108 में अनुमंडल अधिकारी सिवान से सर, 109 दरौंदा एसी में उप विकास आयुक्त, 110 में जिला भोजन का अधिकारी। इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार हम लोगों को 3 सर के लिए ERO का अधिकृत अधिसूचना जारी की है, जिला परिवहन पदाधिकारी सिवान, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सिवान और प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन। 119 महाराजगंज के लिए, एक गुड़िया कोठी 111, 112 विधानसभा क्षेत्र के ARO लोग हैं, गुड़िया कोठी 111 के लिए उप समर्था भूमि सुधार और 112 के लिए अनुमंडल पदाधिकारी। सर कोषांगों का गठन हो गया है सर आगामी लोकसभा की तैयारी के सिलसिले में सर, 21 कोषांग का गठन हुआ है, इसमें सभी वरीय पदाधिकारी जिला स्तरीय जितने पदाधिकारी हैं सर उनको लगाया गया है, जिसकी सूची लोग इसको उपलब्ध करा रहे हैं। अपर समर्था सर ADM सर और ADM PGRO सर वरीय प्रभारी के रूप में सभी कोषांगों के सर नामित किए गए हैं सर। हम लोगों का सर डिस्पैच सेंटर इस बार 6x4 बनाया गया है सर, 18 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए संबंधित सर 105 का डिस्पैच होगा सर, EVM एवं पोलिंग मटेरियल सर VM उच्च विद्यालय सर कॉलेज सिवान से, 106 का दरोगा राय कॉलेज सिवान, 107 दरौली अजा निर्वाचन क्षेत्र का होगा DAV कॉलेज सिवान, 108 रघुनाथपुर का भी DAV और 109 दरौदा का भी DAV से डिस्पैच होगा, 110 बरड़िया का VM उच्च विद्यालय सर इंटर कॉलेज सिवान से होगा। महाराजगंज के लिए है गुड़िया कोठी और महाराजगंज दोनों के डिस्पैच सेंटर स्वामी कर्णदेव जमुना राय उच्च विद्यालय एवं मध्य विद्यालय महाराजगंज होगा। काउंटिंग सेंटर का जो होगा प्रस्ताव सर अभी हम लोग भेजेंगे, उसमें सारा काउंटिंग सेंटर यहाँ सिवान में सिवान के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र का DAV कॉलेज सिवान में के द्वारा होगा सर। सेक्टर पदाधिकारियों का गठन किया गया है, हम लोगों ने उनके मार्गदर्शन में प्रशिक्षण भी दिया है, विधानसभा सूची संलग्न है आपके पास, टोटल 291 सेक्टर मजिस्ट्रेट का की प्रतिनियुक्ति की गई है, सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान केंद्रों पर भ्रमण कर रहे हैं, AMF की सुविधा मतदाता जागरूकता तथा वनरेबल मैपिंग का कार्य इन सेक्टर में स्टेट के द्वारा किया गया है। अभी कल सेक्टर इसके अतिरिक्त फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्विलांस टीम, असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, वीडियो सर्विलांस टीम, वीडियो भीम टीम, अकाउंटिंग एक्सपेंडिचर एंड एक्साइज टीम का गठन किया गया है, उसका डिटेल्स आपके पास है। टोटल जिले में FST 32 है, SST 24 नंबर ऑफ AEO 8 हैं, VST टीम है 24, VV टीम वीडियो भीम टीम है 8 और असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं 8 और एक्साइज टीम है 10। ये सारा टीम का गठन कर दिया गया है और कल सर इसका हम लोग प्रशिक्षण अम्बेडकर सभागार में सर हम लोग निर्वाचक सूची का सर प्रारूप प्रकाशन 22/1 को हो गया है, जिसका डिटेल्स हम लोगों ने पहले दिया था सर। इसमें इसके आलोक में टोटल हमारे यहाँ सर 25,37,365 मतदाता हैं, इसमें पुरुष मतदाता 1,13,18,732 सर और 12,18,224 महिला मतदाता हैं और थर्ड जेंडर सर 59 है सर। इस बार EP रेशियो सर हम लोगों का 0.59 है और सेक्स महिला अनुपात जो है सर वो 924 हुआ है सर, पिछले बार 19 की तुलना में सर 24 हुआ है सर। सर्विस वोटर विधानसभा वार है सूची संलग्न है, टोटल सर्विस वोटर 7,277 जिले में है। PWD भी निर्वाचक हैं जो पर्सन विथ डिसेबल मतदाता हमारे यहाँ है सर, 17,380 विधानसभा वार सूची आपको उपलब्ध कराई गई है सर। प्रत्येक विधानसभा में मतदान केंद्र की विवरणी है सर, टोटल जिले में 2,531 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो रेजिस्ट्रेशन हुआ था अभी 105 विधानसभा क्षेत्र के लिए 319, 106 के लिए 282, 107 के लिए 330, रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 302, दरौदा 109 के लिए 319, 110 बरड़िया विधानसभा क्षेत्र के लिए 316, गोड़िया कोठी के लिए 344 और महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए 319।
आगामी लोकसभा निर्वाचन के लिए FLC का कार्य पूर्ण हो चुका है, जो घंटा पोखर वेयरहाउस में से रखा हुआ है। ईवीएम डिमोस्ट्रेशन सेंटर महाराजगंज और आपदा भवन में कार्यरत है, महाराजगंज अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय के पास और आपदा भवन में यहाँ प्रत्येक मतदान केंद्र भवन पर ईवीएम का डिमोस्ट्रेशन शुरू हुआ है। 1502 मतदान केंद्र भवन पर BA BCOM BSc MA MCOM करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। डैफोडिल स्कूल एंड किड्स जोन प्री नर्सरी CBSE कैरिकुलम अनाउंस फ्री एडमिशन टिल मार्च 2024। एडमिशन ओपन। विशिंग एवरीवन हैप्पी सरस्वती पूजा एंड होली। मिशन कंपाउंड, महादेवा, सिवान। मोबाइल नंबर 9631724798।